नमस्कार दोस्तों, यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, यूपी बोर्ड का बड़ा बदलाव। जी हां, यूपी बोर्ड ने अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है, इतिहास रचने वाला है। जी हां, सभी बोर्ड को टक्कर देने वाला है। जी हां, अभी अभी जानकारी मिल रही है कि जो बच्चे 2-3 नंबर से फेल हो जाते हैं, और दोस्तों जिनके नंबर बोर्ड एग्जाम में कम आते हैं उनके नंबर बढ़ जाएंगे। क्या होता है कि कभी कभी जब कॉपी चेक होती है उस दौरान बहुत से टीचर बहुत सारी गलतियां करते हैं। जी हाँ, और उस गलती का भुगतान बच्चों को करना पड़ता है। उन्हें क्या, उन्हें तो पैसा मिलता है और उनकी गलती से उनको नुकसान नहीं है, सीधा बच्चों के कैरियर पर गाज गिरता है। जी हाँ, बच्चों का कैरियर बर्बाद होता है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने ये नया नियम बना डाला है। जी हाँ, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो को भगा भगा के मत देखिएगा, जी हाँ, नहीं तो आपको समझ में कम आएगा। तो दोस्तों चलते हैं, अब आपको बता देते हैं क्या क्या करना होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ले चलते हैं जहाँ पर न्यूज पब्लिश किया गया, ताकि आप लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं न्यूज में साफ साफ दिया हुआ है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2020, यूपी बोर्ड का बड़ा बदलाव। अब रिजल्ट जारी होने के बाद स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी तक स्कूटनी के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था। ऑफलाइन आवेदन में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन करना है। जी हाँ, अब से ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे स्कूटनी के लिए। सबसे बड़ी राहत ये दी गई है आप लोगों के लिए। दोस्तों नए नियम के अनुसार रिजल्ट घोषित होने के 25 दिन के अंदर स्कूटनी के लिए आवेदन करना होगा आपको। जी हाँ, 25 दिन के अंदर ही आपको ये करना होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों सबसे खुशी की बात यहाँ है कि स्कूटनी का रिजल्ट 15 जुलाई तक आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया हुआ है, 10वीं 12वीं के उत्तर पुस्तकों की स्कूटनी के लिए आवेदित सभी मामलों का निस्तारण करते हुए उसका परिणाम 15 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ, 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को सभी तक पहुंचा दीजिए। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।